स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, जो कि आपका मनी चैप्टर है। इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 के एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डायरेक्टली उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि इन एमसीक्यू के थ्रू आप 20 और 20, मतलब जो आपके 20 के 20 मार्क्स हैं, वो पूरे गेन कर सको। पहला हमारा एमसीक्यू है, व्हाट आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M1। M1 में आप देखें तो इंटर बैंक डिपॉजिट इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि कॉन्सेंट करेंसी विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। सेकेंड जो क्वेश्चन है, हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ, तो ये चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। तो इसमें जो मनी प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट एंड RBI होती है, उसको आप हाई पावर्ड मनी कहते हैं। तो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद बैंक्स। अगला जो क्वेश्चन है, मनी सप्लाई रेफर्स टू, तो मनी सप्लाई क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि मनी सप्लाई एक आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला, मनी सप्लाई कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारा ए ऑप्शन स्टॉक कॉन्सेप्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, है ना, बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम के सारे ही लिमिटेशन थे, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ल्ड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अगला जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग डायलॉग बिटवीन टू पीपल, सीता आई वॉन्ट 1 kg ऑफ पोटैटो, है ना, रानी वॉट विल बी गिव यू इन एक्सचेंज, सीता आई कैन गिव यू 2 liters ऑफ मिल्क इन रिटर्न फॉर द पोटैटो, और आई डोंट नीड मिल्क, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ शूज। तो इसमें सिंपल है कि सामने वाला जो कमोडिटी मांगना चाह रहा है, वो दूसरा पर्सन ऑफर नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट है, वो आपकी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सीता और रानी के ट्रांजेक्शन के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई, तो भारत में जो मनी सप्लाई रेगुलेट करता है वो है RBI, सेंट्रल बैंक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज, तो बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम क्या नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके से बार्टर एक्सचेंज से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका अनएम्प्लॉयमेंट सही जाएगा। मनी सप्लाई इंक्लूड्स, अब मनी सप्लाई में क्या क्या आता है, ऑल डिपॉजिट इन बैंक, ओनली डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, ओनली टाइम डिपॉजिट इन बैंक एंड करेंसी विद बैंक। तो यदि आप यहाँ पे देखें कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है बैंक के साथ, वही मनी एक तरीके से सप्लाई का पार्ट होता है, क्योंकि मनी सप्लाई का मतलब क्या है, जो इजिली एक जगह या एक तरीके से सप्लाई हो जाए, उसको आप मनी सप्लाई बोलें, कि जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे इकोनॉमी में सर्कुलेशन होने। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी, है ना, तो मनी सप्लाई की या पूछ रहा है डेफिनेशन एक तरीके से, कि क्वांटिटी ऑफ मनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको आप क्या बोलोगे, मनी सप्लाई। या एक क्वेश्चन और है इसमें ऑप्शन में, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेशन इन ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक, है ना, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, तो हमारे भारत में यदि बात करें तो मनी सप्लाई के बहुत मेजर जो सोर्सेज हैं, वो सेंट्रल बैंक हैं और कमर्शियल बैंक हैं, तो ऑप्शन ए और बी, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के थ्रू ही मनी सप्लाई का काम करती है। जो क्वेश्चन है 12th, इफ हरीश हैज अ मोबाइल एंड ही वॉन्ट अ टैबलेट, शिवम हैज अ टैबलेट लैपटॉप एंड ही वॉन्ट अ मोबाइल इन एक्सचेंज फॉर लैपटॉप, देन वॉट प्रॉब्लम हरीश आर फेसिंग, तो यहाँ पे मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो पर्सन की यूटिलिटी, उस यूटिलिटी के हिसाब से कमोडिटी वो प्रेजेंट कर रहा है जो सामने वाला उसको ऑफर कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, दैट डैश आर 13th क्वेश्चन, डैश आर टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, तो भारत में लीगल टेंडर मनी जो करेंसी नोट्स हैं, उनको लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। If you are have 2 meter cloth and you want wheat against it, then how much wheat you should get, which drawback, है ना, तो simple है, आप इसको measure of value जो barter की limitations है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि जो cloth है उसको हम meter में measure कर रहे हैं और जो wheat है उसको kg में, तो common एक measurement की unit यहाँ पे नहीं। अगला जो क्वेश्चन है 15th, इसमें हम देखें डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक आर अ पार्ट ऑफ, तो ये काय का पार्ट हो जाएगा आपका, मनी सप्लाई का, क्योंकि हाई पावर्ड में जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्रिएट करती है वो मनी कहलाती है हाई पावर्ड मनी। अब करेंसी का मतलब क्या है, तो करेंसी नोट्स भी है और करेंसी कॉइन्स भी है, तो 16th का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, सही है, हाई पावर्ड मनी इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक बिसाइड करेंसी विद द पब्लिक, ये भी आपका सही है। M1 include gross demand deposit instead of net demand deposit or none of these, तो यहाँ पे जो ऑप्शन गलत तो हो रहा है, ये आपका हो रहा है ये, क्योंकि ग्रॉस की बात नहीं होती है, नेट जो डिमांड डिपॉजिट है वो आपका कैलकुलेट होगा, है ना। इन इंडिया पेपर नोट्स आर, पेपर नोट्स हमारे यहाँ जो है वो एक तरीके से अनलिमिटेड लीगल टेंडर
मनी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अनलिमिटेड, मतलब आप पेपर नोट के थ्रू एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट, एनी नंबर ऑफ या एनी मनी ऑफ पेमेंट कर सकते हैं। अगर वहीं पे यदि कॉइन्स की बात करें तो लिमिटेड लीगल टेंडर है, क्योंकि आप अगर बात करें 1,000 रुपये तक के, आप कॉइन की पेमेंट के लिए कॉइन्स को यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इंक्लूड्स कैश रिजर्व ऑफ बैंक, सही है। इट इज़ अ फ्लो वेरिएबल, तो मनी सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल, ये आपका गलत स्टेटमेंट है ना। पहला वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि कैश रिजर्व जो है बैंक का वो इंक्लूड नहीं होता मनी सप्लाई में। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, क्योंकि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगला जो क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, तो सप्लाई जो मनी की बात कर रहा है, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मनी सप्लाई का या सप्लाई ऑफ मनी का डेफिनेशन एक तरीके से। अब ए कैन एक्सचेंज गुड्स विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट्स एंड बी हैज व्हाट ए वांट्स, तो ये सिंपल है आपका, ये जो डेफिनेशन हो जाएगी ये काई की हो जाएगी, बार्टर सिस्टम की। और जो बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है वो कौन सी हो जाएगी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो जो ट्रांजेक्शन मनी होता है, अगला क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन मनी को आप M1 का पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि इट इज हाईली लिक्विड एंड कैन एनी टाइम यूज फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन इंडिया। मनी क्रिएटिंग सेक्टर आर, अब मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट भी आ जाएगा और यहाँ पे आपका बैंकिंग सिस्टम भी आ जाएगा। मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय, अब मनी सप्लाई में कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं होती? तो मनी सप्लाई डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि यदि वो उस पैसे को रोक रही है तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो इनका अरेंजमेंट ही लिक्विडिटी के बेसिस पे है। M1 हाईली लिक्विड, फिर लेस लिक्विड, फिर ये थोड़ा सा ब्रॉडर मनी कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब ये और थोड़ा रिजिड हो जाएगा और ये हाई लेस लिक्विड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, इट हैज सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज, और विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन अ पर्सन कैन बाय सेल एनीथिंग थ्रू मनी विदाउट सेलिंग बाइंग इन रिटर्न, विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन फंक्शन, मतलब कि वो मनी के तौर पे कुछ भी चीज खरीद सकता है और कोई भी चीज बेच सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो फंक्शन है मनी का वो आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, तो फंक्शन ऑफ मनी का क्या नहीं है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ वैल्यू, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ मनी आंसर गलत हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच फंक्शन ऑफ मनी इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ अकाउंट, या विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड एज वी कैन से इट हेल्प द मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मेजर ऑफ वैल्यू डायरेक्टली आंसर आपका सी हो जाएगा, 28 का मेजर ऑफ वैल्यू। अगला, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी विच हैज लेड टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, तो सिंपल है, कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगा जब आप उसको फ्यूचर पेमेंट पे या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट के लिए यूज करेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट, तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड, डिफर्ड का मतलब ही होता है क्या? फ्यूचर। विच फंक्शन ऑफ मनी इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, इट वर्क एज कॉमन डिनोमिनेशन, है ना, कॉमन डिनोमिनेशन में, तो सिंपल है, जब आप उसको एक कॉमन यूनिट में मेजर करते हैं, है ना, तो कॉमन यूनिट में जब आप उसको मेजर करोगे तो इसको आप यूनिट ऑफ वैल्यू, जो आपका आंसर हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेशन। अगला जो क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मनी हैज कम ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में जो आपका फंक्शन है वो एक तरीके से आपका हो जाएगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मनी ने ऐसा काम किया कि अब आपको यदि किसी चीज़ को, किसी पर्सन से कोई चीज़ खरीदनी है तो आप मनी के मीडियम के थ्रू कोई भी कमोडिटी खरीद सकते हैं, आपको सामने वाले की जो नीड है वो मनी है, आपकी जो नीड है वो कमोडिटी है, आप उसको पे करेंगे और खरीद लेंगे। तो एक जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की प्रॉब्लम थी उसको क्या करा? मनी ने खत्म किया। सुषमा, अगला क्वेश्चन है, सुषमा ट्राइड टू डिस्चार्ज हर डेब्ट ऑफ 25,000 बाय गिविंग 1 रुपी कॉइन्स विच वर नॉट एक्सेप्टेड कॉइन्स आर, है ना, क्योंकि अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन में डिस्कस किया कि कॉइन्स आर लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं? तो इट इंक्लूड्स ओनली नेट टाइम डिपॉजिट, तो ये ऑप्शन आपका सही है ना। अगला, इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, ये भी सही है। इट इंक्लूड्स करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, ये भी आपका सही है। तो इट इंक्लूड्स टर्म डिपॉजिट विद बैंक, टर्म डिपॉजिट मतलब एक तरीके से FD, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है ये है विच फंक्शन ऑफ मनी है सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, आसान कर देता है। तो आसान तब कर देगा जब आप फ्यूचर में इसको रिपेइंग कैपेसिटी आपकी होगी, तो स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है पीपल सेव मनी इन वेरियस फॉर्म्स टू मीट कंटिजेंसीज अनप्रडिक्टेबल इमरजेंसीज एंड टू फ्यूचर डेब्ट्स विच फंक्शन ऑफ मनी इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो फ्यूचर की यदि वो बात कर रहा है तो आसान हो जाएगा आपका, है ना। फ्यूचर एक के तो बात कर रहा है कंटिजेंसी की, मिड कंटिजेंसी, अनप्रडिक्टेबल इमरजेंसीज और फ्यूचर डेब्ट, है ना। तो सिंपल है, अगर सेव कर रहा है मनी तो सेव कर रहा है तो इसका मतलब है स्टोर कर रहा है, तो फंक्शन आपका हो जाएगा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हमारे मनी चैप्टर के एमसीक्यूज थे, टोटल 35 क्वेश्चंस थे। 35 में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक से दो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप हमेशा चैनल से जुड़े रहें।